बहुत खुशी होती है अपने समाज के लिए, अपने फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। और आज हम देखते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी रीजनल इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो गई। हमारी इंडस्ट्री में 11-11 चैनल है, जैसे आपने देखा ऑस्कर चैनल के ओनर हमारे मित्र आनंद सिंह जी भी हैं यहाँ पे। और खुशी होती है कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स, एक्टर, टेक्नीशियन, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर लोग सपोर्ट करते हैं भोजपुरी भाषा को। हिंदी के लोग, मराठी के लोग, गुजरात, सभी भाषाओं के लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा प्यार करते हैं। तो मुझे खुशी होती है इन लोग सपोर्ट करते हैं। स्वीटी जी के बारे में क्या कहूँ, आप लोग इनको टीवी भी देखते रहते हैं। इनकी बेटी रोशनी वाली है, बहुत बड़ी स्टार है, सलमान जी के साथ काम किया, कोई ऐसा स्टार नहीं है जिनका। और चाइल्ड जितने बड़े बड़े सीरियल, मुझे तो नहीं समझ, यही बताएंगी, जितने बड़े बड़े सीरियल जितने उसमें सारे में लीड रोल की है। मैं चाहता हूँ स्वीटी जी खुद ही अपनी बात को रखें। खैर, मैं यहाँ अपने बारे में बिल्कुल भी बोलने नहीं आई हूँ, ये इनका बड़प्पन है कि मेरा और मेरे परिवार का ये इतना मान सम्मान कर रहे हैं। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि इनके साथ हम हमेशा खड़े हैं, बिकॉज इन्होंने जो शुरू किया है, आई थिंक उस ज़माने में शुरू किया है जब अवार्ड्स वगैरह लोग रिकग्नाइज नहीं करते थे। तो आई थिंक उस ज़माने में अवार्ड शुरू करके आज तक उसको बरकरार रखना, और मैंने देखा है कि इनके एक फ़ोन कॉल पर सब लोग इनको आदर सम्मान से, अगर कॉल नहीं उठा पाए तो इमिडिएटली कॉल बैक करते हैं। एंड ऑस्कर, तो यू नो डेफिनेटली आई थिंक ऑस्कर चैनल का और विनोद जी का बहुत अच्छा प्यार रहा है, जैसे मेरा इनके साथ है वैसा ऑस्कर का इनके साथ है। तो जितने भी श्रोता हैं भोजपुरी, उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और भोजपुरी सिनेमा को और अच्छा बनाएं और हमें मदद करें कि हम उसको और अच्छा रूप दे सकें। मेरे कमेटी मेंबर नसीम, हमारे साथ नसीम जी हैं कमेटी मेंबर, एंड हर बार मैं इनको अवार्ड के टाइम ही मिलती थी ऊपर, आज पहली बार इनको ज़मीन पर मिली हूँ। नसीम जी, आज जमीन पे आपको पहली बार मिली हूँ, हमेशा थोड़ा हाइट में मिली थी, इसलिए हाँ। और बहुत अच्छा कपल है, एंड दे आर ऑलवेज एवे विनोद जी, और बहुत सोशल कॉज और नोबल कॉज ये करते रहते हैं। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी हियर अमंगस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मेंबर हैं और हमारे अजीज दोस्तों में से हैं, जिनके साथ हम कहा जाए कि महीने में एक दिन जरूर खाना खाते हैं। महेंद्र बरार जी भी कमेटी मेंबर हैं और हमारे दोस्त हैं, इन लोग का बड़ा सहयोग रहता है, साथ रहता है। बाकी ऑस्कर के बारे में बोल दिया आपने सारी बात, बाकी आप देख ही रहे हैं विनोद जी इतना ज्यादा लल्लन टॉप बने हुए हैं, मुझे लग रहा है अगले अवार्ड में बेस्ट हीरो का अवार्ड इन्हें जाने वाला है, डेब्यू। मैं सिंपल रहते हैं, लेकिन मैं हीरोइन के लिए आई डोंट हैव डेट, सॉरी सॉरी विनोद जी। आई थिंक मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को। भोजपुरी गाने कितने पॉपुलर हैं हम सब जानते हैं, आजकल बहुत सारे क्लब्स हैं बॉम्बे में और हाउस पार्टीज़ होते हैं और भोजपुरी गाना एक दो बजता ही है। तो आई थिंक ये मेरा पहली बार मैं आया हूँ ऐसे एक इवेंट में, एंड आई कंग्रेचुलेट एवरीवन कि इतना अच्छा इवेंट बनाया है। मेरा वैसे एक टीवी शो चल रहा है, ये तेरी गलियाँ ऑन जी टीवी, पर फिर भी कभी कभी कुछ ना कुछ जोक्स आते हैं, गाने आते हैं और हम भोजपुरी म्यूज़िक से कनेक्ट होते हैं। सो वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और ऑस्कर टीवी को बहुत बहुत मुबारक। और ऑलरेडी मैंने एक भोजपुरी मूवी में आइटम नंबर कर लिया, अत्याचार मूवी का नाम है, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। तो आई हूँ मेरे फ्रेंड के साथ, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बहुत मुबारक और बहुत अच्छा हो उस इंडस्ट्री के साथ, ताकि हम लोग भी काम करते रहे। नहीं बिल्कुल, मैं जब ये इसकी शुरुआत थी, पहली थी, उसमें भी मैं आई थी और कोशिश करती हूँ कि सारे में आऊँ, और दो तीन में तो मुझे अवार्ड भी मिला है, तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि विनोद जी ने आज 13 साल लगातार वो कर रहे हैं और ये इसी तरह आगे बढ़ रहा है, और मेरी यही शुभकामना है कि इसी तरह आगे बढ़े। नहीं, विनोद गुप्ता जी देखिए बहुत ही मेहनती और सभी को साथ लेके चलने वाले आदमी, और हाँ जी हाँ, सभी को साथ लेके चलने वाले हैं और सभी का ध्यान रखना, छोटे बड़े आर्टिस्ट, ऐसे नहीं कि बड़े आर्टिस्ट का नहीं, सभी का ध्यान रखते हैं वो, और मेरी शुभकामना है कि वो इसी तरह आगे बढ़े। जब ये पहली बार ये पौधा बोया जा रहा था तो उसमें इस पेड़ को सींचने वाला मैं भी था, तो 13 साल से इस अवार्ड से जुड़ा हुआ हूँ
और 13वीं वर्षगांठ पर मैं अपनी भोजपुरी ऑडियंस को एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि मैं और मेरे भाई साहब हैं अशोक उपाध्याय जी, हम लोग एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डायरेक्टर रोज़ा जी हैं। तो ये 13वें साल पर हम लोग एक भोजपुरी को एक गिफ्ट देने जा रहे हैं और हमारी दुआएं हैं कि भोजपुरी अवार्ड ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जाए और विदेशों में भी हमारा नाम हो, हमारे अपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में भी ये अवार्ड हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। Yes. ये रोज़ा जी क्या बोलेंगे? पहली बात तो सर आपने अनाउंस कर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। पकड़िए ना, पकड़ते हैं ना, अभी आपने कहा था मैं पकड़ता हूँ, तो थैंक यू सो मच आप मुझे ये मौका दे रहे हैं, है ना। नहीं देते तो भी लड़के ले ही लेते हैं। तो ये फिल्म उपाध्याय जी चाह रहे हैं कि एक पारिवारिक फिल्म बने और एक लड़की डायरेक्टर बने, क्या जी ऐसे ही है? ये पहली बार ये श्रेय मुझे जाएगा कि मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की को भोजपुरी में एज ए डायरेक्टर साइन किया हूँ, ठीक है। वो श्रेय उपाध्याय जी को भी जाता है जो कि इस फिल्म के मेन प्रोड्यूसर है, मैं को प्रोड्यूसर हूँ। तो हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एक फिल्म जो है लड़की डायरेक्ट करे, और ये बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, इनका प्ले मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं, तो मुझे पूरा ये उम्मीद है कि ये हमारी फिल्म को जस्टिफाई करेंगी। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू बोल रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। 13वें साल हम लोग लगातार शुरू से जुड़े हुए हैं, जैसा सूर्या जी हमें अच्छा लगता है, विनोद भैया कोशिश कर रहे हैं हर बार और बेहतर बेहतर करते जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं अगली बार हमारी फिल्म भी नॉमिनेशन हो, क्या जी अच्छी फिल्म लेके आए, एक दो तो अवार्ड मिलिए जाए हम लोगों को। बस ये बहुत ज़रूरी उम्मीद है हमारे को, क्योंकि हम लोग ने भोजपुरी जिया है, ससुरा बड़ा पैसा वाला से लेकर अब तक की जो जर्नी है हमारी, तो मैं तो सोचता हूँ कि जब मैं सिनेमा बनाऊँगा तो लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिनेमा मैं बनाने जा रहा हूँ ना, लोग वाह वाह करेंगे, नहीं करेंगे क्रिटिसाइज़, क्योंकि सारे अपने हैं, वो सारे कोई करेंगे तो मैं लड़ने लग जाऊँगी, सब अपने हैं, सब नहीं करेंगे, सब अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश है, अच्छी फिल्म बना पाए हम लोग और सब लोग देखें और अप्रिशिएट करें, और यही है ना जी, ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच उपाध्याय जी। भोजपुरी फिल्म अवार्ड है जिसे विनोद गुप्ता जी हर साल करवाते हैं, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, और मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं कि 13वां नहीं 130वां भी वो मनाएं, उनको ईश्वर इतनी लंबी उम्र दें, क्योंकि वो हर साल एक छत के नीचे सारे पूरे भोजपुरिया समाज को जमा कर देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इस साल मेरी दो फिल्में हैं नॉमिनेशन में, कसम पैदा करने वाले की है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, तो एक्साइटेड हूँ, देखता हूँ कौन कौन से अवार्ड किस किस को मिलते हैं। मैं भोजपुरी को बहुत सम्मानित लेवल पे देख रहा हूँ और उस सम्मान के लिए मैं खुद काम कर रहा हूँ। 15 फरवरी को मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है बिटिया छठ माई के। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि समस्त भोजपुरिया जहान में जो माँ हैं, जो भाई हैं, जो बहन हैं, जो काका काकी नाना नानी, मीन्स भोजपुरी भाषा को बोलने वाले लोग इस फिल्म को देख करके गर्व करेंगे कि बिटिया छठ माई के जैसी फिल्म भोजपुरी में आई है। उसके बाद से मैं लेकर के आ रहा हूँ इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह, विजयी भवा, मोहब्बत जिंदाबाद और कसम पैदा करने वाले पार्ट 2 का भी प्लान चल रहा है, बहुत जल्दी आप सबके सामने आएगा। धन्यवाद। 13वें साल में आज प्रवेश कर लिया और आप सबको हम लोगों का सहयोग हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है, भोजपुरी सिनेमा की बात होती है, तो कहीं ना कहीं जैसे विनोद गुप्ता जी हैं, अभय सिन्हा जी हैं, ये लोग हमेशा इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और ये जो अवार्ड होता है वो इसलिए होता है कि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि एक फिल्म जब बनती है तो उसके पीछे कितने लोग होते हैं, जैसे कोरियोग्राफर हैं, हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं, हमारे फाइट मास्टर हैं, तो ये सभी लोगों को आज सम्मानित किया जाता है और उनका भी हौसला बढ़ता है कि हम आगे और अच्छा काम करें। विनोद गुप्ता जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं, और ये उनकी सोच ही थी कि उन्होंने इसकी स्थापना की थी भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स की, जो पहले बाकी इंडस्ट्री में तो होता था, भोजपुरी में नहीं होता था, तो भोजपुरी में वो 13 साल से लगातार कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं, आगे भी उनके साथ रहेंगे, और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है और फले फूले और आगे बढ़े। जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे हमेशा मेरी बेस्ट विशेज़ रहती है विनोद जी के साथ, बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं,
और उनकी बहुत नेक सोच है हमारी इंडस्ट्री को लेके और यहाँ के अवार्ड्स को लेके। तो वो जब बुलाते हैं, अगर हम लोग कहीं शूट पर हैं या कहीं भी हैं, हम लोग टाइम निकाल के आते हैं, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी पूरी इंडस्ट्री से मिलता है, यहाँ पर मौका मिलता है सबको मिलने का, जो हम लोग ऐसे नहीं कर पाते शूटिंग में बिज़ी रहने की वजह से। तो विनोद गुप्ता जी को हमेशा बेस्ट विशेस, और भगवान करे वो ऐसे ही इस अवार्ड को और बड़ा और अच्छा हर साल बनाते रहें। आज परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं, जोड़ी एक बार जी, बहुत मेहनत की है, बहुत रिहर्सल्स की है। परफॉर्मेंस के पहले तो मुझे एक ही बस डर लगा रहता है कि भगवान मैं कुछ भूल ना जाऊँ स्टेज पर, तो वही अभी भी डर लग रहा है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, बट भगवान करे अच्छा हो। और हम लोगों ने अभी हमारे महेश पांडे जी की शूटिंग में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री की चीज़ है और हमारी इंडस्ट्री के लिए हो रहा है, तो एक दो दिन शूटिंग उन्होंने रोक दिया अवार्ड के लिए, और इसके लिए मैं महेश पांडे जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, आपको मज़ा आएगा। निरहुआ हिंदुस्तानी सीरीज की बात की जाए, निरहुआ हिंदुस्तानी जहाँ से सिनेमा में एक नया दौर आया, फिल्में हिट होने लगी और अमरपाली जी हम सब भोजपुरी सिनेमा को मिली है जी, वो सीरीज अभी पार्ट 3 ही आ गई है, मुंबई और गुजरात में रिलीज हुई है जी, और दर्शकों का प्यार क्या कहना चाहिए? पार्ट 3 बहुत लोगों ने पसंद किया, सबको बहुत पसंद आई, और हम लोगों ने बिना देर किए हुए पार्ट 4 शुरू कर दिया है, मंजुल ठाकुर जी उसको लिखना शुरू कर दिए हैं, और हो सकता है फरवरी मार्च तक हम लोग निरहुआ हिंदुस्तानी 4 भी शूट कर लेंगे। पल्लवी जी क्या कहेंगे, ये भोजपुरी शुरुआत आपसे हुई निरहुआ हिंदुस्तानी से? मैं बड़ी ओवर पजेसिव रहती हूँ निरहुआ हिंदुस्तानी सीरीज़ के लिए, मुझे पता नहीं, वो फिल्म मेरे लिए तो मैजिक है। आप लोग बोलते हैं कि आपकी इंडस्ट्री को मैं मिली, लेकिन उस फिल्म से मुझे ये इंडस्ट्री मिली, और इतना प्यार मिला, इतने दर्शकों ने मुझे एक्सेप्ट किया, तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। अभी तो ठीक है, पता चला 20-25 साल बाद बूढ़ी हो जाऊँगी तो भी एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस करके जाऊँगी हिंदुस्तानी। मुझे दिनेश जी के साथ काम करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही अच्छे, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आर इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री के सबसे अच्छे परफॉर्मर में से एक मैं दिनेश जी को मानती हूँ, और आई डोंट थिंक इनसे अच्छा आदमी मैंने कहीं देखा है, तो हमेशा दिनेश जी के साथ काम करने का मुझे एक्सपीरियंस अच्छा ही मिलता है। मैं अपने नाम से तो बड़ी खुश हूँ और इनके नाम से भी बड़ी खुश हूँ, जो मैं इनको बोल नहीं पाती हूँ, ऐसे मुंह पर नहीं बोल पाती हूँ, तो अब फिल्म की शूटिंग पे ए लल्लू करके बुला सकती हूँ इनको। और आप आराम से बुलाइए, क्योंकि और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ही फ़ोन किया था सुशील जी को और मैंने कहा था कि एक टाइटल दिमाग में आ रहा है लल्लू की लैला, थोड़ा नया लगेगा और इसको बनाया जाए, तो उनको भी अच्छा लगा, और ये फिल्म शूट हो रही, बहुत अच्छा शूट कर रहे हैं हमारे सुशील उपाध्याय जी, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। पहला शेड्यूल कंप्लीट हो गया, दूसरा का शेड्यूल? हाँ, दूसरा वाला भी नए साल में शुरू करेंगे 2 तारीख से। जी, निर्माता हैं हमारे रत्नाकर कुमार, और वो एक ऐसे इंसान हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा इसलिए तैयार रहते हैं कि वो बहुत अच्छा सोचते हैं इंडस्ट्री के लिए, बड़ा सोचते हैं, और उनका कहना ये है कि वो भोजपुरी सिनेमा को थोड़ा और बड़ा किया जाए, थोड़ा और अच्छा किया जाए, तो इसलिए हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार उनके साथ फिल्में कर रहे हैं। और पहले जी बात करें जो है सिंगिंग की, तो आपकी जो है आवाज में पब्लिक पसंद करती है। वाह वाह वाह, तो आज अपने लल्लू के लिए लैला कुछ नगमा सुना दे। ओह गॉड, मेरा तो एक ही फेवरेट गाना है और वो मैंने रट के रखा है क्योंकि आप लोग जब पूछेंगे मैं वही गाऊंगी। नहीं झुलनी के आवा बिताईला दोपहरिया बिताईला, आवा बिताईला दोपहरिया बिताईला। ले ना, आपका नगमा सुनना चाहते हैं। यही झुलनी के छैया गोरी, यही झुलनी के छैया गोरी, हम जिंदगिया बिताई देब हो, 4 महीना गर्मी के दिनवा, तर तर चुई पसीनवा गोरी, हम बनिया डोलाई देव हो। वो इस साल में नहीं आएगी, शायद सिपाही होगी, राम लखन होगी। नहीं, राम लखन भी नहीं।
राम लखन इस साल नहीं है, बॉर्डर अगले साल होगी नॉमिनेशन में, क्योंकि इस साल जो रिलीज पिछले साल की फिल्में इस साल नॉमिनेटेड होंगी। आने वाली जो फिल्म है वो सबसे पहले आ रही है 25 जनवरी को निरहुआ चला लंदन, उसके बाद आएगी जय वीरू, जय वीरू के बाद ईद में आ रही है, नहीं ईद से पहले एक आएगी शेरे हिंदुस्तान, और ईद में आएगी गबरू, और गबरू के बाद फिर ये लल्लू की लैला। जी बहुत अच्छी फिल्म बनी है निरहुआ चलल लंदन, और लोगों को बहुत इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है, फिल्म लोगों को पसंद आएगी, और उस सेट पे ही शुरुआत कर दिया था हमारे नासिर जमाल ने निरहुआ चलल अमेरिका का, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये जो फिल्में हैं ये सब करके और फिर हम लोग जाएंगे उसके लिए। ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। विलेन के नाम पे तो तकरीबन अनेकों अवार्ड ले लिया, और मैं चाहूँगा कि अगर मुझे अवार्ड दिया जाए तो निश्चित तौर पे एक पिता के किरदार को निभाने के लिए दिया जाए, तो दिल से खुशी होगी, हार्दिक खुशी होगी, वरना अवार्ड तो अवार्ड होता है, हमारी गुणवत्ता के लिए दिया जाता है, देखते हैं क्या मिलता है। विलन में मेरी हैं कुछ फिल्में नॉमिनीज हैं, लेकिन एक उसी जगह पे हमारे पिता के किरदार में मेहंदी लगा के रखना भी नॉमिनी में है, तो मुझे लगता है कि अगर मिले मुझे तो हमारा कोई प्रतिद्वंदी बहुत हमसे मजबूत ना हो तो मुझे पिता के किरदार के लिए मिलेगा। नहीं, हमारे लिए हर कलाकार अपने आप में महान है, और उसमें कौन कौन नॉमिनीज हैं मुझे मालूम भी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निश्चित तौर पे श्री विनोद गुप्ता जी का, जिन्होंने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी, उसके बाद ये शुरुआत एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के रूप में बढ़ने लगी है, जड़ अपनी फैलाने लगी हैं। आज उसके बाद अभय सिन्हा जी हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर एक अवार्ड समारोह कराने लगे हैं, जो जिसका साउंड है हमारे भोजपुरी दर्शकों में और पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत व्यापक तौर पर गया है कि एक भोजपुरी फिल्म अवार्ड हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर लंदन तक पहुँच गया है, मतलब अपने आप में ये बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत बड़ा मिसाल है, और इसके लिए शुक्रिया हमारी पूरी इंडस्ट्री की तरफ से अभय सिन्हा जी का करना चाहूँगा, उन्होंने एक बहुत मजबूत और बहुत उचित कदम उठाया है हमें सम्मान दिलाने के लिए। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री का हूँ और वक्त के साथ बदलाव होते रहता है, बदलाव तो प्रवृत्ति है, हम इस पूरी सृष्टि के प्रवृत्ति ही बदलाव है, ऊपर वाले ही बदलाव लाते रहते हैं। मैं हमेशा था, हमेशा हूँ, और जब तक हूँ इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में तो हमेशा रहूँगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं जितना हो सके हमारा सहयोग एक अभिनेता के रूप में, एक होस्ट के रूप में मैं देते रहूँगा, और निश्चित तौर पे देना ही चाहिए हमें। नहीं नहीं, देखिए कुर्सी किसी की अपनी व्यक्तिगत बपौती नहीं होती है, वो सबके लिए होती है, जो उसके उचित हकदार हों उन्हें ये कुर्सी मिलनी चाहिए। अगर हम ही लालू जी के जैसा कुर्सी से चिपक के बैठे रहेंगे तो हमें एक ना एक दिन जनता निकाल देगी, इससे बढ़िया है कि वक्त आने से पहले उस वक्त का आभास हो जाए और हम अपनी जगह पे किसी ऐसे अभिनेता को लाने की कोशिश करें जो सच में हमसे बेहतर उचित है उस कुर्सी के लिए। तो हम सब अभिनेता को यही करनी पड़ती है, और मैंने भी यही किया है। हमारी आने वाली फिल्में जो भी होंगी, बड़ी अच्छी फिल्में होंगी, इंटरटेनिंग फिल्में होंगी, मुझे विभिन्न किरदार में आप देखेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन जिसमें भी देखेंगे आपको सच में बड़ा मज़ा आएगा, और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है, और आगे भी आप इसी तरह से आशीर्वाद देते रहेंगे।
थैंक यू। 2018 अवार्ड है इस साल और मैं पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ इन 13 सालों में। मैं पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ विनोद गुप्ता जी के इस अवार्ड में, तो डेफिनेटली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। परफॉर्म करके एक्चुअली मैं आ चुकी हूँ और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा जोशीला वाला परफॉर्मेंस था मेरा। जैसे आप मेरा लुक देख रहे होंगे, बहुत डिफरेंट लुक है ये। और यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं नॉमिनेटेड भी हूँ बेस्ट आइटम सॉन्ग के लिए। तो लेट्स सी, देखिए क्या होता है। आई होप पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ और पहली बार अवार्ड भी घर लेके जाऊँ तो और अच्छा लगेगा मुझे। देखिए मुझे नहीं पता है कौन सी मूवी से नॉमिनेटेड हूँ, मैं वहाँ एक्चुअली खड़ी थी तो मुझे पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ। और जब पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ तो मेरी खुशी जो है वो दुगनी हो गई है। आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स सी क्या होता है। देखिए बहुत ज़्यादा भोजपुरी जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन हमारी भोजपुरी ग्रो कर रही है और बहुत खुशी की बात है। और मैं तो बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं भोजपुरी से बिलोंग करती हूँ, जबकि मेरी मातृभाषा नहीं है, मैं जम्मू से हूँ, लेकिन मैं बहुत प्राउडली ये चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मैं भोजपुरी से हूँ। और मैं हर जगह इस लैंग्वेज को बढ़ावा भी देती हूँ क्योंकि इस भाषा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और जैसे कि हम लोग सब देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारी भोजपुरी बहुत तरक्की कर रही है, तो आई विश कि हम आने वाले सालों में भोजपुरी को और ऊंचाइयों पर देखेंगे। देखिए अभी तो वेब सीरीज आ रही है मेरी, जो चल ही रही है गेम ऑफ लस्ट। प्लीज़ जाके यूट्यूब पे जाके गेम ऑफ लस्ट देखिए, अपने व्यूज़ मुझे दीजिए, उसको बहुत सही लाइक्स दीजिए और अपना प्यार दीजिए उसको। सेकंड एपिसोड भी आ चुका है तो जितना हो सके उतना प्यार दीजिए उसे। और बहुत जल्दी एक और वेब सीरीज़ आने वाली है मेरी ओल्ड बालाजी के थ्रू, वर्दी वाला गुंडा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्कआउट है, मेरा एक सीरियल ऑन एयर होने वाला है बहुत जल्दी। तो मेरी हैप्पी की चीज़ें बहुत अच्छी हैं और 2018 मेरे लिए बहुत अच्छा गया है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करूंगा कि आप लोग के आशीर्वाद है जो मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। और ये 13 साल से अवार्ड जो चल रहा है ना, ये मैं 13वें साल आ रहा हूं। आज मैं पहले दिन आया हुआ अवार्ड, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हुई कि उस काबिल मुझे लोगों ने समझा कि आज मुझे बुलाया। जी जी जी, नॉमिनेट था मैं और मेरे भाई को मिला है, सीपी भाई को मिला है। तो मैं सबसे पहले तो सीपी भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड सीपी जी को मिला है। नहीं नहीं, मेरा बड़ा भाई है। देखिए सिस्टम से आ रहा, पहले मनो टकलाया। ये हम लोग की खूबसूरती है, हम लोग की खूबसूरती है, जिनके सर पे बाल नहीं हम लोग की खूबसूरती वही है। पब्लिक की, हमारे ऑडियंस को ही मजा आता है कि जितने टकले लोग हैं वही कॉमेडियन है। हाँ मैं भी सुना हूँ कि टकले लोग करोड़पति हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा मेरा वो करोड़ कहाँ है। पति तो हूँ मैं, करोड़ नहीं पता चल रहा है, तो मैं इसी अपने करोड़ को खोज रहा हूँ कि मेरा करोड़ है कहाँ है।